दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, कृपया इसका गलत प्रयोग न करें, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, आज के इस वीडियो में ये त्रिकालदर्शी का टोटका बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार खतरनाक ट्रिक, ठीक है, तो आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। त्रिकालदर्शी का ये जो मैं मंत्र टोटका बताऊंगा दोस्तों, अंदर बाहर जुआ जीतने में, मांग पत्ता जीतने में, कट पत्ता जीतने में, तीन पत्ती में, सभी तरह में वो वर्क करता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी आप लोग ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद मैं फुल ट्रिक बताऊंगा, फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा, ये त्रिकालदर्शी वाला आप लोग मंत्र तोड़का कैसे कर सकते हैं सीधे या प्रसिद्ध, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, कौन सी पत्ती है, ये बासा, तो बासा मेरे प्यारे दोस्तों 100% अंदर आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ पूरे गारंटी के साथ 100% अंदर आएगी, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक बताऊँगा, एक एक पत्ती देखिएगा, 100% दोस्तों, 100% 100% जैसे आप कह सकते हैं, 100% दोस्तों, मेरे प्यारा दोस्तों 100% सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त ट्रिक ले आया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये जो मेरा वीडियो है, जो आज की इस वीडियो में ट्रिक बताऊँगा, आप लोग थंबनेल देख के आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। और जो भाई लोग इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इस वीडियो को देखने के लिए टच किए हैं, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख के जाइएगा, पूरा देख के जाइएगा, तभी आप सीख के समझ में जाएंगे। मैं दोस्तों दावा और गारंटी देता हूँ कि अगर जो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आपको जुआ में कोई हरा नहीं सकता। अब आज के इस वीडियो में मैं जो टोटका बताऊंगा दोस्तों, ये त्रिकालदर्शी का टोटका होगा, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक टोटका है, ठीक है, जिसमें आपको अंदर बाहर जुआ भी जीत सकते हैं, कटपत्ता भी जीत सकते हैं, मांग पत्ता भी जीत सकते हैं, तीन पत्ती भी जीत सकते हैं, सभी प्रकार के ऑफलाइन और ऑनलाइन गेम आप जीत सकते हैं, ठीक है। जुआ में कोई भी जुआ हुआ दोस्तों, इस तंत्र मंत्र के टोटके से, त्रिकालदर्शी के टोटके से आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन सी पत्ती अंदर आने वाली है, कौन सी पत्ती बाहर जाने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूँ, जो भाई लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा मेरे दोस्तों, जो भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं बताऊंगा वो सबसे पहले आप लोग के पास चला जाएगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फाइनली आपको पहले ट्रिक, एक एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे आपको अंदर बाहर में किस तरह जीत सकते हैं, मांग पत्ता में और कट पत्ता में, फिर तीन पत्ती में। उसके बाद दोस्तों मैं ये त्रिकालदर्शी का टोटका आपको किस तरह सिद्ध करना है वो आज की इस वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूँ। अगर जो आप लोग इस टोटके को सिद्ध कर लेते हैं त्रिकालदर्शी का, तो मैं दोस्तों पूरे उम्मीदों के साथ कर रहा हूँ कि जब ये दिवाली एक महीना या डेढ़ महीना है उसमें आप मालामाल हो जाएंगे, चमत्कार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये ताश की गड्डी है, ठीक है, इसको जब हम अंदर बाहर जुआ खेलने जाते हैं तो ऐसे खेलते हैं, ठीक है, इस तरह अच्छी तरह से सफल कर लेते हैं, फर्री मार लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्री मारने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम रख देते हैं, अगर जो, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ताश की गड्डी को मैं अच्छे सफ़ेद कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ा सा स्किप कर देने को दोस्तों तो कुछ भी सीख नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा और ऐसा ट्रिक भी नहीं मिलेगा, ये त्रिकालदर्शी का टोटका और मैं ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बारी बारी एक एक ट्रिक बताऊँगा और उसके बाद फुल ये तंत्र मंत्र का टोटका आपको बताऊँगा और सिखाऊँगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब हम अंदर बाहर खेलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहीं से भी कोई बंदा, ये देखिए नॉर्मल कार्ड है, कोई ट्रिक या मार्कर वाला कार्ड नहीं है, कोई भी कार्ड हो दोस्तों, ताश हो, ठीक है, आप कसिनो में, क्लब में, कहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक पत्ती निकाल दे रहा हूँ, जैसे देख सकते हैं छक्की, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी देखिएगा 100% 100% ये छक्की अंदर ही आएगी, ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, छक्की देखिए अंदर ही आएगी,
वाह सुपर दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही पत्ते में छक्की अंदर आ चुकी है। ठीक है तो दोस्तों इसी तरह आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, मैं क्या क्या ट्रिक बताने वाला हूँ और क्या क्या टोटके आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आई होप ये सीख जाएंगे दोस्तों ना तो मालामाल हो जाएंगे। ठीक है तो चलिए मैं अंदर बाहर का बता दिया, अब कटपत्ता का बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जुआ ताश जो भी होता है मैं केवल आप लोग को एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। जुए या ताश की लत बहुत बुरी होती है दोस्तों, अगर जो आप लोग इसकी लत लग जाएगी तो घर द्वार रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ हार जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मैं केवल ये एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग केवल इसका टाइम पास करें ना कि गलत प्रयोग करें। आप लोग कहीं भी इसका गलत प्रयोग नहीं करिएगा, केवल आप लोग एजुकेशन के लिए नॉलेज के लिए सीख सकते हैं समझ सकते हैं। ठीक है तो चलिए मैं फाइनली आपको आगे के लिए बताता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपने अंदर बाहर का देखा, ठीक है अब आप कटपत्ता का ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद मैं फाइनली आपको ये त्रिकालदर्शी का टोटका बताऊंगा। ठीक है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों ये देखिए ताश की गड्डी को इधर उधर पूरा आप कहीं भी मिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अभी जो भी पत्ती मैं निकालूँगा वो 100% अंदर ही आएगी, ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये कटपत्ता हो गया, ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों मैं कटपत्ता का ट्रिक आपको बताऊंगा, अंदर बाहर आप देख चुके हैं। तो कटपत्ता में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से भी ऐसे बंदे पत्ती उठा के ऐसे रख देते हैं। ठीक है तो ये देखिए दुक्की है, ठीक है तो ये दुक्की 100% अंदर आएगी, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मंत्र टोटका मैं सिद्ध कर चुका हूँ, इसलिए जो भी मैं कहूँगा वो अंदर आएगी। तो आप लोग को भी अगर जो ऐसा करना है, ऐसा टोटका चाहिए, पैसा जीतना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है तो देखिएगा एक एक पत्ती आप ध्यान से देखिएगा ये दुक्की किस तरह अंदर आ रही है। वाह सुपर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको एक बार अंदर बाहर में ट्रिक करके दिखाया, फिर कटपत्ता में ट्रिक करके दिखाया, अब आपको मैं मांग पत्ता में भी दिखाऊँगा और तीन पत्ती में भी दिखाऊँगा। तो एकदम प्लीज़ दोस्तों छोड़िएगा नहीं, अगर जो आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कुछ भी सीख या समझ नहीं पाएंगे। मैं आप लोग से बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है अगर जो ये त्रिकालदर्शी का टोटका आप लोग सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप मालामाल हो जाएंगे। अगर जो आप लोग से सिद्ध नहीं होगा तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं सिद्ध करके आपको बना के दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है। ठीक है वहाँ से जाके आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब ध्यान से आप देखिएगा, आपने कटपत्ता भी देख लिया, अंदर बाहर भी देख लिया, अब दोस्तों मांग पत्ता का जुआ जब आप लोग खेलने जाएंगे तो उसमें किस तरह का ट्रिक होता है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो अंदर बाहर में जैसे कि आपने देखा कि बीच में से बंदा कहीं से भी पत्ती, अंदर बाहर में दोस्तों क्या होता है बीच में से कहीं से भी पत्ती निकाल के रख देते हैं। ठीक है जो भाई लोग नहीं जानते अंदर बाहर कटपत्ता मांग पत्ता तीन पत्ती कैसे खेले तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो खेलने का भी तरीका सीख जाएंगे और जीतने का भी तरीका सीख जाएंगे, साथ ही साथ त्रिकालदर्शी का टोटका मंत्र सिद्ध करना भी जान जाएंगे। तो अंदर बाहर में जैसे सबसे पहले मैंने इस तरह निकाल के दिखाया, ठीक है और कटपत्ता में क्या होता है कि दोस्तों कहीं से भी बंदा ऐसे कट करके सीधे पत्ती को पलट के रख देता है, लेकिन मांग पत्ता में क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों सबसे अलग होता है। मांग पत्ता में हम लोग खेलते हैं तो इस तरह अच्छे सफल कर लेते हैं। ठीक है ध्यान से देखिएगा मांग पत्ता में किस तरह खेलते हैं, ऐसे सफल कर लेने के बाद दोस्तों ताश की गड्डी को हम यहीं रख देते हैं। सामने वाला भाई बोलता है कि मुझे इक्का की पत्ती चाहिए, बादशाह की पत्ती चाहिए, गुल्लू की पत्ती चाहिए, तो अगर जो भी पत्ती मांगेगा उसके तरफ जाएगा तो बंदा जीत जाएगा और अंदर आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो यही ट्रिक मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं चाहे आप लोग बोल दे रहे हैं कि इक्का की पत्ती, तो आप लोग देख लीजिए इक्का की भी पत्ती 100% अंदर ही आएगी, ध्यान से देखिएगा 100 में 100%। ठीक है इसी तरह आप भी चमत्कार कर सकते हैं और मालामाल हो जाएंगे। सुपर दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों मैं देख सकते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी ट्रिक बता रहा हूँ 100 में 100% ऑलरेडी आपको पहले बता दे रहा हूँ कि 100% ये पत्ती अंदर आएगी, तो अंदर आ जा रही है दोस्तों पूरे गारंटी के साथ और पूरे
होशवास में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अगर जो स्त्री को अच्छे से सीख लेते हैं, इस त्रिकालदर्शी के मंत्र को टोटके को जान जाते हैं, तो दोस्तों आप कहीं भी अंदर बाहर खेल सकते हैं, कटपत्ता खेल सकते हैं, मांग पत्ता खेल सकते हैं और तीन पत्ती क्लब कसिनो में और कहीं भी। तो दोस्तों आप लोग तीन ट्रिक सीख गए होंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा जैसे अंदर बाहर कटपत्ता और मांग पत्ता, चलिए मैं फाइनली आपको बताऊँगा कि तीन पत्ती में आप कैसे जीत जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये त्रिकालदर्शी का यही फार्मूला हमको सबसे बेस्ट लगा है कि आप लोग एक मंत्र का ताबीज बनवाएंगे, उसमें कई सारे फायदे होंगे, साथ ही साथ सट्टेबाजी जुआ में कोई भी जुआ खेल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको तीन पत्ती का बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों ने अंदर बाहर कटपत्ता और मांग पत्ता तीनों ट्रिक और टोटके, अभी तो मैं टोटका नहीं बताया तो तीनों का ट्रिक आपको दिखाया, एक छोटा सा डेमो करके दिखाया। अब चलिए फाइनली आप तीन पत्ती का भी ट्रिक और डेमो देख लीजिए, उसके बाद मैं दोस्तों आप लोग को ये त्रिकालदर्शी का मंत्र टोटका सिद्ध करने का फुल ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं दिवाली आने वाली है, अगर जो आप लोग मिस कर देंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको तीन पत्ती का भी ये बता दूँ, उसके बाद दोस्तों आप सबको पूरा फुल ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे भी हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आई होप। और आप लोग को मेरा एक वीडियो नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा तीन पत्ती भी आप खेल रहे हैं दोस्तों तो किस तरह आप खेल सकते हैं, किस तरह जीत सकते हैं, चाहे वो दो लोगों के साथ हो, चार लोगों के साथ हो, पाँच लोगों के साथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर जो आप लोग ये मंत्र सीख जाते हैं तो यही ट्रिक आपको सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे। अब देखिए मैंने इस पत्ती को कितना बार सफल किया, फर्री मारा, आप लोगों ने देखा है बहुत ही अच्छी तरह से देखा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे दो लोगों के बीच, अच्छा तीन लोगों के बीच यहाँ पे तीन पत्ती मैं खेल के और जीत के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज़, थोड़ा सा मेरा वीडियो और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, पूरा देख के जाएंगे तभी सीख के जाएंगे, बीच में छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी सीख नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक दो तीन लोगों के बीच या फिर चार लोगों, जैसे आप देख सकते हैं एक दो तीन, तीन लोगों के बीच, चलिए यहाँ पे मैं पांच लोगों के बीच दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं पांच लोगों के बीच ये तीन पत्ती खेल के दिखा रहा हूँ और जीत के भी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती मेरी आएगी, ध्यान से देखिएगा एकदम पूरे 100% पूरे गारंटी के साथ दोस्तों, ठीक है। ये पाँच लोगों के मैं बीच पत्ता डिवाइड कर दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये सब चमत्कार कैसे हुआ, आप भी कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी कर पाएंगे, तभी सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप भी ये चमत्कारी टोटका कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ एक एक बंदे की पत्ती, यहाँ पे देख लीजिए टिक्की चौहा और बेगी, ठीक है। तो ये बेगी हाई कार्ड है, बेस है, ठीक है। तो इस तरह में कोई भी पत्ती लगे दोस्तों तो आपको गड्डी में पैक हो जाना है, पैसा नहीं चलना है, क्योंकि आप पैसा लगाएंगे तो हार जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई भी पत्ती नहीं लगी आपकी, बादशाह हाई कार्ड है, इस तरह भी पत्ती आपकी आ रही है तभी आपको गड्डी में पैक हो जाना है। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस तरह का मैं ट्रिक, यहाँ पे सुपर, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चौवा का ट्रिक जुट है। तो तीन बंदों में आप देख सकते हैं कि ये चौवा वाला बंदा इन दोनों को हरा दिया, ये जीत गया। अभी देखिएगा दोस्तों मैं पाँचों नंबर पर मेरी पत्ती है, फाइनली मैं जीतूँगा, सबसे बड़ी पत्ती मेरी ही लगी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये भी देखिए कुछ भी नहीं है, दाला बेस है, हाई कार्ड है, ठीक। तो चलो मैं फाइनली आपको दिखा रहा हूँ अपनी पत्ती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए सुपर, वेरी नाइस, सुपर डुपर आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पांच लोगों के बीच मैंने करके दिखाया, मैंने कहा था दो तीन लोगों के, लेकिन भाई लोग सोचेंगे कि ये इतना छोटा कर रहा है, तो मैं सोचा कि चार से पाँच या पाँच लोगों के बीच मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो फाइनली मैं पांच लोगों के बीच में भी जीत गया, सबसे बड़ी पत्ती मेरी आई, ठीक है। तो चलिए मैं दोस्तों आप लोग को भी बता रहा हूँ, अगर जो आप लोग इस तरह अंदर बाहर कट पत्ता मांग पत्ता तीन पत्ती ऑफलाइन ऑनलाइन ड्रैगन स्टाइगर जो भी बहुत सारे गेम है दोस्तों, वो सभी गेम में सट्टेबाजी में व्यापारी में सब चमत्कार कर सकते हैं, आपका कभी नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा जीतेंगे। तो वो कैसे, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और चलिए मैं आपको अब ट्यूटोरियल और ट्रिक बताने जा रहा हूं ये टोटका वाला मंत्र कैसे सिद्ध करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको फाइनली फटाफट वीडियो मेरा
बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी में दोस्तों बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। अब दोस्तों मैं ये ताश की गड्डी को थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा टोटका कैसे सिद्ध करना है और ये त्रिकाल दर्शी कैसे काम करेगा। आपको ये ट्रिक और ये टोटका सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप सीख जाते हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। चाहे तीन पत्ती हो, चाहे अंदर बाहर हो, चाहे मांग पत्ता हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे काट पत्ता हो, कोई भी वीडियो है, कोई भी ट्रिक आप सीख जाएंगे और ऐसा वीडियो आपको कोई अलग बता भी नहीं पाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरे लास्ट तक देखिएगा और इस टोटके को, इस मंत्र को सिद्ध करिएगा। अगर जो आपसे नहीं होगा तो मुझे कॉल करके फॉलो करिएगा, मैं यहाँ से आपको सिद्ध करके दे दूँगा, ठीक है। 100% वर्क करेगा। अब आपको ध्यान से देखना है इसको किस तरह बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भोजपत्र मिल जाए तो ठीक है। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे भोजपत्र नहीं मिल रहा है, क्या होता है ऐसे वगैरह वगैरह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर जो भोजपत्र मिल जाए तो सबसे सुपर काम करेगा। अगर जो नहीं भोजपत्र मिल रहा है तो लाल कागज़ मिलना चाहिए, ठीक है। लाल और कोरा कागज़ रहे वो आपको ले लेना है छोटा सा। और आपको यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको दिखाया है, ठीक है, दो लौंग लेना है, ठीक है। यहाँ पे दो लौंग लेना है आपको, फूल वाली दो लौंग, ज़्यादा नहीं, दो लौंग लेना है। और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों दो नींबू लेना है, ठीक है। आपको मार्केट से आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। दो नींबू लेना है और दो लौंग लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक लाल कलर लेना है, जो गंगा जल मिल जाए तो और बेटर रहता है, नहीं तो कोई भी शुद्ध पानी ले सकते हैं जिसमें लाल रंग का घोल बना लीजिए, ठीक है। और एक आपको ये रेड पेन लेना है, ब्लैक पेन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग को ये कुछ ब्लैक पेन से लिखना है और कुछ लिखना आपको मोर पंख से, तो आपको मोर पंख भी लेना है। यानी आपको लेना है यहाँ पे लाल कागज़ या भोजपत्र, दूसरा आपको लौंग के दो फूल और तीसरे दो नींबू यानी एक जोड़ा, फिर तीसरा में या चौथे में आपको लाल रंग या गंगा जल का हो, ठीक है, और लाल रंग साथ में मिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे एक ब्लू कलर या ब्लैक कलर का पेन होना चाहिए और एक लाल धागा या रक्षा सूत्र, यानी 6 से 7 आइटम आपको सामग्री जुटानी है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है आप बारीकी से ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं नींबू को साइड कर दे रहा हूँ, या लौंग को भी साइड कर दे रहा हूँ। अब आपको इस पेन से क्या बनाना है आप ध्यान से देखिएगा। इसी ट्रिक को आप सीख जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो काफ़ी मालामाल हो सकते हैं, ठीक। तो आपको ऐसे लाइन खींचना है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। फिर आपको ऐसे लाइन खींचना है छोटा सा, फिर आपको इधर से, ठीक है, फिर आपको इधर से, ठीक है। अब देखिए जो आपका पेन है, पेन का आपका ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा वर्क नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा प्रयोग करना है इसका, यहाँ पर जो मैंने लाल रंग बनाया है और मोर पंख मिले तो उससे आपको लिखना है। तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर ऐसे, डबल लाइन आपको एक पेन से लिखना है और एक कलर से बना लेना है। बनाने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, वो आप ध्यान से देखिएगा। ये बीच में आपको एक ऐसे गोल सा बनाना है, ठीक है। अब ये गोल बनाने के बाद आपको अपना नाम इस बीच में लिखना है, जो भी आपका मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप नाम लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद दोस्तों अब देखिए क्या करना है आपको। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ओम बनाना है, ओम, फिर यहाँ पे ओम बनाना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, स्वास्तिक का, फिर यहाँ पे भी आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। और आप पेन से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये चारों तरफ करने के बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, बाहरी की तरफ वो ध्यान से देखिएगा। बाहर की तरफ आपको यहाँ पे
स्वास्तिक का चिन्ह एक बनाना बड़ा सा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ा सा स्वास्तिक का चिन्ह और यहाँ पे बड़ा सा ओम, फिर यहाँ पे बड़ा सा ओम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा और अपना नाम बीच में लिखना नहीं भूलिएगा, आपको अपना नाम बीच में ही लिखना पड़ेगा। नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी ओम बना लीजिएगा, यहाँ स्वास्तिक, यहाँ स्वास्तिक, यहाँ स्वास्तिक, और नीचे आपका जो मंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मंत्र आपको यहाँ पे उच्चारण करना है। ध्यान से देखिएगा वो मंत्र क्या है, आपको ये सब करने के बाद मंत्र में लिखना है ओम क्रीम क्रूम नमः त्रिकालदर्शी, ठीक है। तो आपको बोलना है दोस्तों ओम क्रीम क्रूम नमः त्रिकालदर्शी, फिर आप उसके आगे जो आपका नाम होगा वो नाम ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओम नमः क्रीम क्रूम त्रिकालदर्शी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे ओम नमः क्रीम क्रूम त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, फिर ओम क्रीम क्रूम त्रिकालदर्शी आपका जो नाम है वो लिख देना है, ठीक है। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। 108 बार करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नींबू है बीच में आपको रख देना है, ठीक है। 108 बार मंत्र करना है और ये जो लौंग के दो फूल हैं इसको इसमें लगा देना है, हल्का सा ये लाल रंग लगा के, ठीक है। ऐसे अंदर चले जाए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको नींबू के अंदर डालना है। ध्यान से देखिएगा, अभी वीडियो मेरा बाकी है, तो आप लोग सुई हो या निडल हो किसी से भी इसको थोड़ा सा आप जगह बना लीजिएगा, ठीक है। और ये लौंग के फूल को थोड़ा सा ऐसे फंसा दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको लौंग इसके अंदर कैसे भी करके डाल देना है, ठीक है। एक लौंग इसमें और एक लौंग इसमें, दोनों फूलों को डाल के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करने ला, फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जो है जो धागा है, चाहे रक्षा सूत्र है चाहे लाल कलर का धागा, तो इसको आपको यहाँ पे लपेट देना और कोशिश करिएगा मंत्र पढ़ते रहिएगा, ओम क्रीम क्रूम त्रिकालदर्शी, फिर आपका नाम, ठीक है। ओम क्रीम क्रूम त्रिकालदर्शी नमः, ओम क्रीम क्रूम त्रिकालदर्शी नमः, आपके नाम के साथ, ठीक है। ऐसे करके आपको रख देना है, ठीक है। और बाकी इसके बाद ये तीनों चीज़ आपको लेके जाना है दोस्तों, आपको सुनसान जगह पर 11 से 12 बजे के बीच में सिद्ध करना है, वो भी रविवार के दिन या मंगलवार के दिन, या फिर आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। 100% ये टोटका कारीगर है और काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग से सिद्ध नहीं होगा तो आप प्यार से कमेंट करिएगा, मैं आपको सिद्ध करके ये टोटका दूंगा दोस्तों। 100% ये काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों।